मित्रों नमस्कार, सिद्ध आयुर्वेदा चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आज के समय में अति आवश्यक है। देखिए, सिद्ध आयुर्वेदा चैनल आप लगातार देखते आ रहे हैं और जितने भी नुस्खे इस चैनल पर दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और अनुभूत होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना है कि सिद्ध आयुर्वेदा चैनल पर दिए गए सभी नुस्खे कामयाब हैं और अनेक भाई बहन इनसे लाभान्वित हो रहे हैं और मुझसे दवाइयां मंगा करके भी प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठा रहा है। आप भी किसी भी प्रकार की परेशानी से यदि जूझ रहे हैं, किसी भी रोग से आप पीड़ित हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हमने आपके लिए कुछ समय निश्चित किया है ताकि हम आपकी सेवा कर सकें और इसी उद्देश्य से इस चैनल को लागू किया गया है। तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे और अनेक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप संपर्क कर सकते हैं और अपने रोग से संबंधित दवा हमसे मंगा सकते हैं। आपको एकदम न्यायपूर्ण और रिलायबल कीमत पर दवा भेजी जाती है और किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी इसमें नहीं है। ये चैनल समाज सेवा के लिए ही चलाया गया है और सभी भाई बहन इससे लाभ उठा रहे हैं। तो आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं ये है जल के विषय में। पानी, देखिए जल ही जीवन है और इसके बगैर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। पृथ्वी पर 70% जल पाया जाता है और 30% भाग पर ही भूमि है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 70% जल की मात्रा उपलब्ध है और बाकी जो पदार्थ हैं वो सब 30% है। तो देख लिए कितना महत्वपूर्ण है जल हमारे जीवन के लिए, लेकिन फिर भी हम इसको प्रयोग कम करते हैं और बर्बाद अधिक करते हैं। आज भी मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 40% से अधिक जनता ऐसी है जिनको पीने का पानी शुद्ध उपलब्ध नहीं है और इसी कारण से अशुद्ध पानी पीने के कारण वे अनेक रोगों से पीड़ित होते हैं, जैसे IBS, हेमोबियासिस, संग्रहणी, भूख नहीं लगना, उदर खराब होना, अतिसार, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, इस प्रकार के अनेक रोग और इनसे आगे चल करके फिर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये एक सीरीज है। तो शुद्ध पानी हमारे लिए अति आवश्यक होता है। सबसे पहले हम पानी को सुरक्षित रखना सीखें। देखिए इसकी बर्बादी किस प्रकार से होती है। हम पानी पीते हैं, पूरा गिलास भर लेते हैं और हमें उसमें से आधा गिलास ही पीना होता है, आधा हम फेंक देते हैं। उसके पश्चात उस गिलास को धोने में भी पानी खर्च होता है। स्नान करने में हमें एक बाल्टी पानी काफी है, लेकिन कई घरों में उसके लिए टब बनाए हुए हैं। टब को भर लेते हैं और उससे स्नान करते हैं, फिर उसको खाली करते हैं, दूसरा व्यक्ति फिर उसको भरता है। इस प्रकार से पानी की बर्बादी होती है। और आजकल हर घर में एक फ्लश लगा हुआ है जिसमें कम से कम 10 से 12 लीटर पानी आता है। कोई भी व्यक्ति टॉयलेट जाएगा या पखाना जाएगा, फ्लश चला देता है, 10-12 लीटर एक बार में ही समाप्त हो जाता है। तो ये पानी की बर्बादी है। हमें उतना ही पानी प्रयोग करना चाहिए जितना कि उचित है। आप फ्लश में 1 लीटर की एक बोतल पानी की भरकर डाल दीजिए, फ्लश के अंदर भरकर डाल दीजिए उसको, तो 1 लीटर पानी आपका प्रति फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। वो भरा हुआ पानी बोतल का उसमें सुरक्षित पड़ा रहेगा और दोबारा फिर जब उसमें पानी भरेगा तो 1 लीटर कम डलेगा। इस प्रकार से आप 2 बोतल भी उसमें रख सकते हैं। तो पानी की इस प्रकार से आप बचत कर सकते हैं, क्योंकि
भविष्य के जो पीढ़ी है उनके लिए भी हमें कुछ शेष छोड़ना चाहिए, अन्यथा वे पानी के बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन पृथ्वी का जो जल स्तर है वो नीचे जा रहा है, तो इसे हमें सेव करना है, सुरक्षित रखना है। जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करें, जहां पर आसानी से उपलब्ध है वहां के व्यक्ति में यह जागृति होना बहुत आवश्यक है कि पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। यदि आपके पास कोई मेहमान आता है तो उसके पास आप बोतल में पानी भरकर रखें या जग में पानी भरकर रखें और एक खाली गिलास रखें, यदि उनको इच्छा होगी उतना पानी वो उसमें डालेंगे और उसको प्रयोग करेंगे। आप पहले ही दो गिलास भरकर उनको रख देते हैं और वो उसमें से थोड़ा सा पीते हैं बाकी छोड़ देते हैं, तो बाकी पानी आप ये सब बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम छोटी छोटी चीज़ों से भी, छोटी छोटी बातों से भी सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ बचत हो सकती है। तो आज मैं आपको इसीलिए आगाह करना चाहता हूँ कि पानी की बर्बादी ना करें, पानी का सदुपयोग करें और पीने के पानी को शुद्ध अवश्य करें। पानी को बॉयल करके, ठंडा करके, ऊपर से निथार कर बॉटल में भरकर रखें और उसी पानी को पूरा परिवार प्रयोग करे, क्योंकि पानी में अनेक खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जिनको आरओ भी नहीं निकाल पाता। कई लोग कहते हैं हमने आरओ लगाया हुआ है, लेकिन आरओ से आप अनेक प्रकार के मिनरल्स तो निकाल देते हैं परंतु बैक्टीरिया उससे नहीं निकल पाता, इसलिए बॉइल्ड वाटर यूज करें। मेरे पास अनेक रोगी संग्रहणी से पीड़ित, आईबीएस से पीड़ित, एमोबियासिस से पीड़ित, इंडाइजेशन से पीड़ित आते हैं और उनको मैं सबको यही हिदायत देता हूं कि पानी और खाना ये दोनों शुद्ध प्रयोग कीजिए, तभी आप इस रोग से बच पाएंगे, अन्यथा ये सब रोग जीवन भर साथ चलने वाले हैं और आपकी आयु को कम करने वाले हैं। तो भाइयों बहनों, आज के लिए मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं और सिद्ध आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। इस पर 455 से अधिक वीडियो अभी तक दिए जा चुके हैं जो आपके लिए एक संपूर्ण चिकित्सालय है, आप उनसे लाभान्वित हों। कहीं कोई परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।